there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं भवदीप और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा स्वागत करता हूं। हां तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो में फेसबुक अकाउंट पे फीचर पिक का ऑप्शन इनेबल कैसे करें वो मैं आपको लाइव प्रूफ फेसबुक पे दिखाने वाला हूं, क्योंकि आजकल के फेसबुक अपडेट में फीचर पिक का ऑप्शन हटा दिया गया है और कोई भी अदरवाइज कोई भी पब्लिक फीचर पिक अपने फेसबुक अकाउंट पे नहीं लगा पा रही है। मैं आपको लाइव प्रूफ क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है और फीचर पिक ऑप्शन इनेबल कैसे करना है वो सारे के सारे डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए भाई लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वरना आप स्किप करते हो तो आपके फेसबुक अकाउंट पे फीचर पिक का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो चलो भाई लोग, बिना टाइम गवाए हम सीधा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाई लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी ऑल कर दो, ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो भाई लोग, आपको मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करके प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट ऑन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एडिट पब्लिक डिटेल्स, तो सिंपल से हमें इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीचर पिक का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो मैं ये लाइव प्रूफ फीचर पिक का ऑप्शन इनेबल करके आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वरना आप ये ऑप्शन ऑन नहीं कर पाओगे। यहाँ से आप फ्यूचर पिक बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ ट्राई इट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ अपने फेसबुक अकाउंट के फ्यूचर पिक कैसे लगाते वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। फीचर पिक इनेबल करने के लिए हमें ओल्ड फेसबुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ओल्ड फेसबुक आपको कहाँ से लाना है, आपको कहीं से भी ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ओल्ड फेसबुक का लिंक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लिंक कहाँ से मिलेगा। सिंपल से मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दिया है, तो सिंपल से फटाक से जाके फॉलो कर लो एंड मुझे एक SMS करो कि भाई मुझे फेसबुक का ओल्ड वर्ज़न दो, तो मैं आपको सिंपल से वहीं से आपको फेसबुक ओल्ड वर्ज़न आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कहीं से भी ओल्ड फेसबुक का लिंक नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये बात बहुत ही ध्यान देनी है। और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, उसी में आपकी ही हेल्प हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि न्यू वर्ज़न हमारा जो फेसबुक का है उसे हमें इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद ही लिंक से वो वाला ओल्ड फेसबुक इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले हमें ये जो फेसबुक है न्यू उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ वो फेसबुक को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ से सिंपल से हमें अनइंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि वो फेसबुक अकाउंट अनइंस्टॉल हो गया है। अभी मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके ओल्ड वर्जन लिंक से डाउनलोड करके आपके सामने फिर से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने लिंक से ओल्ड फेसबुक वर्जन डाउनलोड कर लिया है, तो सिंपल से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद थोड़ा लोड लेगा, क्योंकि ओल्ड वर्जन है इसलिए लोड तो बनता ही है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओल्ड वर्जन ऑन होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो चलो भाई लोग, मैं एक मिनट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ID और पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया है, उसके बाद यहाँ से सिंपल से हमें ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अलो कर लेना है, तो अलो करने के बाद अलो करते रहना है आपको। उसके बाद मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कि फीचर पिक का ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल से अपने प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। प्रोफाइल पे जाने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है, और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो ओल्ड फीचर पिक लगे हुए थे वो यहाँ पे सिंपल से आ गए हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जहाँ से आप न्यू फीचर पिक भी लगा सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे एडिट पब्लिक डिटेल्स पे चले जाना है। उस पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ऑन होगा, उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते रहना है आपको।
तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो कि आपके सामने फ्यूचर पिक लगाने का ऑप्शन आ चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैंने बना दी आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को थोड़ा वीडियो पे थोड़ा प्यार बरसाना है एंड सपोर्ट बरसाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है एंड वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलो भाई लोग, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।